बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी सियासत है जिसमें कहते हैं किसी वक्त कुछ भी मुमकिन है, यानी कि जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन एवरी टाइम। तो ये कुदरत की सितम ज़रीफियाँ देखें कि आज जो सबसे बड़ा अहम सवाल है, जो पूरे पाकिस्तान में एक सवाल चल रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकेंगे कि नहीं। इससे पहले आपको याद होगा अच्छी तरह कि ये सवाल था बड़ा अहम सारे पाकिस्तान में कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेंगे या नहीं। तो हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे। आज हम इसी प्रोडक्शन ये करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हालातों वाक़ियात का बग़ौर ज़्यादा लिया जाता है, मैं तो एक अदना सा तारीख का तालब इलम हूँ, तो जो अल्लाह ताला की ज़ात किसी के लिए जब कुछ करती है तो मुसब्बल सबाब ऐसे बनते जाते हैं कि बंदा सोच नहीं सकता। मियां नवाज शरीफ ने अभी इलेक्शन लड़ना है, उनकी जमात ने इलेक्शन लड़ना है, पीपल पार्टी बिल्कुल भरपूर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार है, पीटीआई भी इलेक्शन के लिए पूरे पर तोड़ रही है और वो बुखला की खिदमात हासिल कर रही है, दीगर जमातें भी हिस्सा ले रही हैं सियासत में। लेकिन कारीन नाज़रीन कराम, ये मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग नवाज ने टिकटों की तकसीम का आगाज कर दिया है और बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से अब मुस्लिम लीग नवाज में आ रहे हैं, अप्लाई किया है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं तो फिर यकीन कीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ एक ऐसे लीडर बनेंगे तारीख के जो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। उनके दरमियान जितनी इकतदार के और मियां नवाज के अंदर रुकावटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो मियां नवाज शरीफ को वाकफा ने हाल का कहना है कि इस बात का अदराक कराया गया है कि पाकिस्तान के माशी हालात आपने ठीक करने हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो पब्लिक फिर उन्हें उतार भी देगी, फिर उसके बाद वही पुरानी बातें पुराने किस्से रह जाएंगे। क्योंकि रोड मैप जो प्रोग्रेस का है या डेवलपमेंट का है, वो आप मोटरवेज देख लें या दीगर शहरात देख लें, वो नून लीग ने बनवाई है। बेशक उसमें किकबैक्स का नाम लिया गया है, ब्लैकमेलिंग का, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम हैं, लेकिन एक जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि सड़कें जितनी बनाई हैं इन्होंने बनाई हैं। जब सड़कें बनती हैं, जब डीजल पेट्रोल नीचे आएगा, जब बिजली की कीमत सस्ती होगी, जब दीगर महंगाई की शरह नीचे आएगी, तो आवाम को सुख का एहसास होगा। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मियां नवाज शरीफ के लिए है, क्योंकि उनके भाई ने जो 16 माह की हुकूमत चलाई है पीडीएम की, मुशतरका हुकूमत, उसने आवाम की ऐसी चीखें निकलवाई हैं, इतनी महंगाई और ख़ासकर आटा गंदम 1800 से 4000 रुपये मन कर दिया है। शमिया शहबाज शरीफ ने वो आवाम के साथ जुर्म किया है जिसका कोई मदावा नहीं। तो मदावा अगर किसी ने करना है तो वो मियां नवाज शरीफ ने करना है, उनके बड़े भाई ने। पूरी कौम की नज़रें भी हैं और हालातों वाक़ियात भी ऐसे हैं कि मियां नवाज शरीफ की तरफ ही रास्ते जा रहे हैं, ख़ास पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हों, एस्टेब्लिशमेंट हो, पब्लिक ओपिनियन हो, तो मियां नवाज शरीफ के लिए ये एक भरपूर चैलेंज अजमा काम है कि वो पाकिस्तान में चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर अवाम को क्या रिलीफ देंगे, महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म करेंगे, इंडस्ट्रियल कैसे लगेंगी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, वो पाकिस्तान टेक्सटाइल का है जो नीचे बैठा हुआ है, उसको कैसे आप किया जाएगा। इस तरह दीगर संते भी हैं। तो मेरी जो दोस्तों से या किसी अहम ज़राए से बात होती है तो वो उनका कहना है कि ये 80 से 90% चांसेस हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के चौथे दफ़ा बनेंगे पाकिस्तान के, और ये बात बहुत अहम है। नाज़रीन इकराम, मैं किसी पे किसी पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, ये हमारी बदकिस्मती है इस कौम की कि हमने
पीछे ही गए हैं, आगे हमारी तरक्की के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये सबसे अहम सवाल, इससे 6 माह पहले यही था कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। सब कह रहे थे नहीं आएंगे, वो आ गए। हम भी कह रहे थे वो आएंगे। अब अहम सवाल कि क्या वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकेंगे पाकिस्तान के कि नहीं। तो पब्लिक ने ओपिनियन देनी शुरू कर दी है। हज़ारों उम्मीदवार उनकी पार्टी में बतौर कैंडिडेट इलेक्शन के हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। अब आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, वक़्त बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।